मेरी तरफ से जानवी चैनल को बहुत बहुत मुबारक हो। नमस्ते भाई साहब, बहुत अच्छा लग रहा है और जनवरी में आए और हमारे लिए समय दिए। और सबसे बात बड़ी बात है कि आप बहुत बिजी थे, आपकी वेडिंग चल रहा था, लेकिन उसके बाद भी आपने हमारे लिए समय निकाला, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरा पहला क्वेश्चन है कि आप लोग, मैं सुना था कि आप एक न्यू प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या है आप बताइए? बात कर रहे हैं कि जो मेरा नया प्रोजेक्ट आ रहा है, नए प्रोजेक्ट के अंदर दैट इज़ मेंट फॉर पीपल जो बाबर्स हैं, जो अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं, बट किसी शर्म हया की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये नई कंपनी उनको एक प्लेटफॉर्म देगी जहाँ पे मतलब कि एक ब्रांड के साथ वो काम कर सकते हैं, मैंने अपने आप को एक ब्रांड बना सकते हैं एंड छोटे से बजट से वो स्टार्ट कर सकते हैं। एंड मतलब ये एक सेक्टर ऐसा है जो बड़ा अनऑर्गेनाइज है, जैसे बाबर्स हैं, तो इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए ये हमने कोशिश की है, बट लगे इट्स कॉल अमजद हबीब द बाबर शॉप एंड उसके अंदर लाइक उनका ट्रेनिंग का पार्ट रहेगा, उनको एजुकेशन रहेगी एंड उनको बढ़ावा दिया जाएगा। दिस इज़ द न्यू प्रोजेक्ट विच इज़ बीन लॉन्च आई थिंक ड्यूरिंग दुर्गा पूजा, बिकॉज मेरे लिए दुर्गा पूजा बहुत अच्छी मानी जाती है एंड मेरे को जो प्यार और मोहब्बत कलकत्ता से मिली मेरे पहले प्रोजेक्ट पे, तो आई एम श्योर लाइक दूसरे प्रोजेक्ट में भी मेरे को सेम दुआएं मिलेगी और आशीर्वाद मिलेगा। ये कोविड की सिचुएशन में सब लोग मास्क पहनना जरूरी होता है, लेकिन क्या है मास्क पहनने से हम लोगों का 50% कवर हो जाता है, तो ऐसे में आपका राय क्या है, आप क्या बताना चाहते हैं हम लोगों को, ऐसे सुंदरी भी सुंदरता भी रहे और सेफ्टी भी ठीक है, ऐसा कुछ है आपके पास तो बताइए। ड्यूरिंग दुर्गा पूजा जो मेरे को महसूस होता है कि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, मास्क आज की तारीख में आपको कपड़े का पहनने की ज़रूरत नहीं है, आजकल ट्रांसपेरेंट आता है, बिकॉज दुर्गा पूजा में काफ़ी आप लोग मेकअप करते हैं, स्टाइलिंग करते हैं, तो उसके लिए आपको जो मेन चाहिए वो चाहिए एक ट्रांसपेरेंट वो आता है मास्क लाइक वो आप लगाइए, तो उसमें आपका मेकअप भी दिखेगा, आप उतने ही ब्यूटीफुल दिखेंगे जितने आप पहले दिखते थे। लेकिन सभी लोगों को मैं चाहती हूँ आपकी तरफ से आप सूचित कर दीजिए कि क्या करना है, आपकी राय क्या है, थोड़ा सा बताइएगा। जिस हिसाब से सिचुएशन है, थर्ड राउंड जा रहा है उसका कोविड का, तो उसके अंदर जो मैं मानता हूँ वो अपने आप को जितना सेफ रख सकते हैं और अपने आप को जितना प्रोटेक्ट करके रखेंगे, बिकॉज ये बीमारी का कोई भरोसा नहीं कब क्या होए, तो उसके लिए मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अगर आप मास्क पहनते हैं वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा एंड अगर आप अपने आप को डिस्टेंस मेंटेन करके रखें तो वो काफ़ी आपको मदद करेगा। ब्यूटी अपनी जगह है बट अपने आप की सेफ्टी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा, इवन आप पार्लर जाते हैं सैनिटाइज करिए अपने हाथों को एंड अपनी जो वो है क्या नाम है अपने हैंड को सैनिटाइज कर रहे हैं, मास्क पहन के जा रहे हैं, कीप अ डिस्टेंस एंड टेल द सैलून पीपल कि जो आपकी सीट है उसको भी सैनिटाइज करें, तो दैट विल हेल्प यू अलॉट एंड मेरी तरफ से आप सभी लोगों को दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, खुदा करे कि आप बहुत अच्छा करें, तरक्की करें, जो हमारा पास्ट हो गया कोविड के टाइम में 2 साल हम जो पीछे हो गए उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाए और आपकी जो फाइनेंशियल लॉसेस हुए उसको रिकवर करें, जो मैं दुआ करता हूँ तहे दिल से कि वो सब कुछ आगे आए और आगे की ज़िंदगी सही चले, वो सेफ रहें और अच्छे रहें ताकि हमारे को हर रोज़ और हर पल उनका आशीर्वाद मिलता रहे और उनका तजुर्बा मिलता रहे। अगला प्रश्न है आपसे कि सभी लोगों को बाल कटना तो ज़रूरी होता है, लेकिन ये कोविड की सिचुएशन में सभी घर में रहते और बालों को ठीक तरह से संभाल नहीं पाए, ये तो एक है, और दूसरी बात क्या है कि स्टाइल कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से, ये आप थोड़ा सा बताइएगा। हेयर स्टाइलिंग का मतलब जब आप पार्लर जाते हैं तो पार्लर में जाके अपनी गाइडलाइन बताइए, बट आप उनको गाइड मत करिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे को अपनी सहेली के बाल पसंद आते हैं एंड हम चाहते हैं कि वो सेम चीज़ हमारे भी हो, बट ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ सूट करे, हो सकता है कि उसके बाल कर लिए हों, हो सकता है उसके बाल सीधे हों, आपके बाल कर लिए हों
और हो सकता है कि आपके बाल सीधे हो, आपकी शक्ल भारी हो, उसकी लंबी हो, तो आपके चेहरे पे क्या सूट करेगा वो इम्पॉर्टेंट है। और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, आपकी शक्ल जानना बहुत ज़रूरी है। शक्ल के अंदर आपका जो फ्रेम है उसको हाइट देना ज़रूरी है। अगर लंबा चेहरा है तो उसको हाइट देना बहुत ज़रूरी है। तो हाइट के लिए जो फ्रिंज एरिया है, जो फ्रंट वाला एरिया, वो हमेशा छोटा रखना होता है, ना कि बड़ा। जब भी आप बड़ा रखेंगे गोलाई उतनी ही गोलाई में जाएगी, जो कि एक हेयर स्टाइल नहीं होएगा, वो डिजास्टर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू मी, जब भी आप जाते हैं, आपकी शक्ल क्या है, आपकी शक्ल के हिसाब से क्या सूट करेगा, टेल एंड डिस्कस विद योर हेयर ड्रेसर। मेकअप कटवाने से ज़्यादा अगर आप डिस्कस करोगे तो वो ज़्यादा बेहतर लगेगा और वो एक अच्छा रिजल्ट लेके आएगा, जो मेरा मानना है। एंड प्लस अपने बालों का जो टेक्सचर होता है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, जैसे मैं कैलकटा जब आता हूँ तो कैलकटा में नमी हमेशा रहती है, बिकॉज ऑफ बारिश और बादल रहते हैं, तो उसकी नमी की वजह से आपके बाल जो सीधे भी होते हैं वेवी नज़र आते हैं और वेवी कर्ली नज़र आते हैं। तो उसके लिए जब भी आप उसको सेट करते हैं, जब आप उसको लाइक आप मेंटेन करना चाहते हैं, तो जब भी आप वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद हल्का सा अगर उसमें आप कंडीशनर लगा के एंड जब उसको सेट करें या उसको अगर आप ड्राई करें, तो उसमें हमेशा थोड़ा सा हेयर मूस लगा के और उसको इस्तेमाल करिए, तो आप देखेंगे आपके बाल काफ़ी देर लास्ट करेंगे और इतनी जल्दी वेव नहीं पकड़े, नमी नहीं लेंगे। सभी तो कालर करते हैं, लेकिन कालर क्या है, सिर्फ तो अच्छा नहीं लगता। ये किसके ऊपर ठीक तरह से होता है, स्किन के ऊपर जाता है या बालों के ऊपर, कैसे कालर करना चाहिए और किस किस को किस में जाना चाहिए, आप बता सकते हैं? कलर बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, एक हर आदमी की एक उमंग है, हर आदमी की सोच है, और वो उस कलर के साथ वो खेलना चाहता है, हाईलाइट करवाना चाहता है, कलर करवाना चाहते हैं। बट जब भी हम कलर करवाने जाते हैं, सबसे पहले हमारे को अपना स्किन टोन समझना बहुत ज़रूरी है। और स्किन टोन में क्या होता है कि जब भी आपकी स्किन डार्क होती है, तो डार्क स्किन में कभी भी ब्राउन्स, रेड्स, ये कलर नहीं जाते। और जब भी अगर आप जाओगे तो हमेशा देखेगा स्किन उतनी ही काली नज़र आएगी। तो जब भी आप कलर करवाते हैं, तो कलर करवाने के लिए बेस्ट तरीका क्या है, आप थोड़ा सा गोल्डन फैमिली में रहिए, मतलब कि नंबर 7 का शेड, नंबर 8 का शेड, तो वो आपकी स्किन को उतना ही ब्राइट करेगा। बट अगर आपकी स्किन ब्राइट है, तो आप थोड़े से डार्क चेस्ट कलर में, ब्राउन कलर के अंदर, रेड कलर में अगर आप जाएंगे, तो आपकी जो स्किन के ऊपर वो जो ग्लो करेगा हाईलाइट, वो एक सोने पर सुहागा दिखेगा। मेरा जो मानना है वो ये है कि ऑलवेज ट्राई टू गो विद योर फीचर्स, आपके फीचर्स क्या है एंड जो आपके स्किन का कलर है उसके साथ अगर आप मैच करेंगे अपनी हाईलाइट, तो हमेशा आपको तारीफ मिलेगी और वाहवाही मिलेगी। एंड उसके लिए आपको समझना अपनी स्किन को बहुत ज़रूरी है। नेवर कॉपी एनीबडी। मैं एक मानता हूँ कि कभी भी किसी को, अगर मेरा ब्रदर है, मैं अपने ब्रदर की कॉपी नहीं कर सकता। जो मेरी पर्सनैलिटी है, जो मेरा लुक है, वो मेरा ही रहेगा। तो अपने लुक को समझना बहुत ज़रूरी है एंड वो ही आपकी हेल्प करेगा। सभी लोगों को डैंड्रफ होता है, लेकिन डैंड्रफ के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कोई समझता है कि कंडीशनर लगाने से डैंड्रफ होता है, कंडीशनर कैसे लगाना चाहिए, हम लोगों को ये सूचना आप देते हो अच्छा प्लीज़। दुर्गा पूजा के ऊपर इस्तेमाल करने से आप लोग पानी बहुत कम पीते हैं, पानी बहुत ज़्यादा पिए और उससे क्या होगा, आपकी स्किन भी ग्लो करेगी, आपके जो बाल हैं वो भी ग्लो करेंगे। बट जब कंडीशनर आप लगाते हैं इस दौरान के अंदर, जब नमी होती है, तो आपने 1 इंच रूट को छोड़ के नीचे लगाना, बिकॉज जब भी आप रूट पे लगाते हैं, सबसे पहले जो आपका रूट है वो ऑयली हो जाता है, जो कि आपके बालों को बहुत जल्दी ख़राब कर देता है एंड उसकी वजह से आपको डैंड्रफ हो जाती है। डैंड्रफ में आपका वाइट स्केल्स आ जाते हैं एंड आपको लगता है डैंड्रफ, बट डैंड्रफ भी समझना जरूरी है, क्या वो डैंड्रफ है या नहीं है। वाइट स्केल्स के बारे क्या आता है, हमारे में पसीना आता है, पसीने में हमेशा नमक होता है, नमक आके सेटल हो जाता है और हमें लगता है वो डैंड्रफ है। ऑन टॉप ऑफ दैट हम एंटी डैंड्रफ शैम्पू लगाना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से हमारा हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, विच इज़ रॉन्ग। आपने पहली बात अपनी प्रॉब्लम को समझनी कि अगर आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो वो एक सॉल्ट है जो आके स्किन पे जाके जमा हो जाती है, जिसकी वजह से आपको लगता है जो वाइट स्किन गिर रहा है वो डैंड्रफ हो गया, वो डैंड्रफ नहीं है। एक डैंड्रफ ये वो खतरनाक बीमारी होती है जो कि स्किन के साथ अटैच हो जाती है, और अटैचमेंट के अंदर क्या होता है, वो जब आप खो जाते हैं तो ब्लड कम जाओ, उसके लिए अलग अलग तरीके हैं, होम रेमेडीज आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं, जाओ आपको काफ़ी हेल्प करेगी। से कि अभी तो कोविड चल रहा है, लेकिन लोग तो पूजा में बाहर जाएंगे, यही तो सभी का मानना है कि ये हमारा बिग फेस्टिवल है, तो क्या है इस फेस्टिवल में सब लोग
बाहर तो जाएंगे, खाना पीना करेंगे और मौज मस्ती सभी चलेगा, लेकिन कैसे उसको रहना चाहिए आपकी तरफ से मेरे व्यूअर्स को एक मैसेज दे दीजिए। दुर्गा पूजा के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि दुर्गा पूजा के अंदर खुश रहें, खुशहाल रहें, मेंटेन अ डिस्टेंस, वेयर अ मास्क, नॉट द क्लॉथ वन, वेयर अ मास्क ट्रांसपेरेंट। आजकल मास्क आ रहे हैं, थोड़ा सा महंगा पड़ता है, बट जो आपका लुक है, आपकी ब्यूटी है, उसको मेंटेन करके रखता है, एंड आई थिंक इट गोज वेरी वेल। एंड दुर्गा पूजा के अंदर आप लोग बहुत खुश हैं, बिकॉज हम 2 साल से काफ़ी मुश्किल दौर से निकले हैं, तो आप खुश रहिए, आबाद रहिए और ट्राई टू हेल्प ईच अदर बाय मेंटेनिंग द डिस्टेंस एंड वेयरिंग अ मास्क। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, एंड दुर्गा पूजा की एक बारी दोबारा आप सभी लोगों को शुभकामना। हबीब्स और अमजद हबीब की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोग चाहे और ना चाहे आप तो देख सकते हैं, और चाहिए आपको ठीक तरह से कि क्या करना है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, ये तो हम बोलते ही हैं, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लिंक तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा अगला नेक्स्ट प्रोग्राम देखने के लिए। तो चलते हैं।